आज हम चर्चा कर रहे हैं सबसे शुभ ग्रह के बारे में। पंडित जी, बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष में हम ग्रहों को तीन श्रेणी में बांटते हैं, एक शुभ ग्रह, एक अशुभ ग्रह और एक क्रूर ग्रह। शुभ ग्रह में बृहस्पति 100% शुभ है। दूसरा शुभ ग्रह है शुक्र, जो 75% शुभ है। और उसके बाद चंद्रमा और बुध आते हैं, जो 50% शुभ भी हैं, 50% अशुभ भी हैं। बृहस्पति की शुभता आखिर है क्या? क्यों कहा जाता है कि बृहस्पति ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ है? देखिए, ग्रहों में हम 9 ग्रहों की बात करते हैं। इन 9 ग्रहों में बृहस्पति सर्वाधिक शुभ और सर्वाधिक पवित्र ग्रह माने जाते हैं। मातृ कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर ही व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति का मतलब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है, गुरु की कृपा कितनी है। और अगर बृहस्पति शुभ हुआ तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर बृहस्पति शुभ है तो आपके संतान वाले मामले को, आपके धन वाले मामले को और आपके विवाह वाले मामले को अकेला ठीक कर सकता है। इसकी दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि होती है, जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होती है, उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। और ये खूबी, ये गुण किसी और ग्रह के पास नहीं है। बाकी ग्रहों की दृष्टि अगर शुभ मान भी लें कि शुभ चंद्रमा की दृष्टि शुभ होगी, शुभ बुध की दृष्टि शुभ होगी, तो वो इतनी शुभ नहीं होगी कि नकारात्मक प्रभाव नष्ट कर दे। बृहस्पति अगर राहु को देख ले, शनि को देख ले, केतु को देख ले, इनके अंदर की जो अशुभता है, इनके अंदर की जो निगेटिविटी है, उसे दूर कर देता है। विवाह स्थान को देख लेगा, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। संतान भाव को देख लेगा, संतान ठीक हो जाएगी। यानी गुरु की जो दृष्टि है वो इतनी ज्यादा पवित्र है कि वो पूरी कुंडली के परिणाम बदल सकती है। इसीलिए बृहस्पति को सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।